Good morning, dear kids, and welcome back to your computer class. Today, Aishmi going to teach you your chapter number 4, that is keyboard special keys. In this chapter, we are going to cover these points: number 1, types of keys; number 2, alphabet keys; number 3, numeric keys; number 4, special keys; number 5, सिंबल कीज एंड नंबर 6 कॉम्बिनेशन की। तो आज के चैप्टर में हम ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके कवर करने जा रहे हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है कीबोर्ड क्या होता है। तो जैसे हम लोगों को वर्क करने के लिए, कॉपी पर कुछ लिखने के लिए कीबोर्ड पेंसिल की जरूरत होती है, आप किससे लिखते हो बच्चों? कॉपी पर। यस, आप लिखते हो अपनी पेंसिल से, है ना? आप पेंसिल से ही तो अपनी कॉपीज पर लिखना स्टार्ट करते हो। क्या आप बिना पेंसिल की हेल्प के या बिना पेन की हेल्प के कॉपी पर कुछ लिख सकते हैं, बताइए बच्चों मुझे? नहीं, आप लोग बिना पेंसिल के, बिना पेन के अपनी कॉपीज में कुछ नहीं लिख सकते। उसी टाइप से कंप्यूटर के पास अपना कीबोर्ड होता है, जिसकी हेल्प से आप उस पर लिख सकते हैं। तो क्या होता है कीबोर्ड? देखिए, ऐसा कुछ ऐसा होता है आपका कीबोर्ड। इसमें क्या है, इसमें देखिए कितने सारे छोटे छोटे बटन्स हैं। इस बटन्स को क्या बोलते हैं? इन बटन्स को हम की बोलते हैं। ये जो कीज होती हैं, इनका अलग अलग यूज होता है। इसमें आप देख रहे हो काफी अलग अलग टाइप की कीज हैं। कुछ पे नंबर लिखे हैं, कुछ पे कुछ सिंबल्स हैं, और कुछ पे जो अल्फाबेट्स लिखे हैं। तो आपके चैप्टर नंबर 4 में हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि आपकी कौन सी की किस यूज के लिए होती है। सो लेट स्टार्ट विद योर चैप्टर। इन दिस प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न अबाउट द कीबोर्ड एंड इट्स कीज। यू हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द यूजेज ऑफ कीबोर्ड कीज। आपने अपनी पहले वाली क्लास में ये पढ़ा था कि अपने क्लास फर्स्ट में पढ़ा था ना बच्चों के कीबोर्ड क्या होता है। मैंने आपको पढ़ाया था क्लास फर्स्ट में भी कि कीबोर्ड क्या होता है और उसका क्या यूज होता है, उसमें कितने टाइप की कीज होती हैं। बस इस चैप्टर में उसके बारे में थोड़ा सा और आपको बता दिया गया, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हैं, आप लोग फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में आ गए हैं, इसलिए आपको कीबोर्ड के बारे में थोड़ी और नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले आप ये मुझे बताएंगे कि इसमें से क्या वर्क आप कीबोर्ड पे कर सकते हैं। नंबर 1, टाइपिंग वर्ड्स। क्या आप लोग टाइप कर सकते हैं कीबोर्ड से अपने कंप्यूटर में? तो यस और नो, जल्दी बताइए मैं इसमें क्या टाइप करूं। यस, इसमें मैं लगाऊंगी यस, राइट का क्लिक। अब एंट्रिंग नंबर्स। क्या आप लोग अपने कीबोर्ड से कंप्यूटर में नंबर्स टाइप कर सकते हैं? यस, यहाँ पर भी आप लोग टिक लगा लीजिए। शोइंग द रिजल्ट। क्या कीबोर्ड पे रिजल्ट शो होता है? नो, वो आपको कहाँ यूज होता है, कहाँ शो होता है? वो आपको शो होता है आपके मॉनिटर में। तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे? यहाँ पर आप लगाएंगे क्रॉस, यानी कि फॉल्स। गिव स्पेस बिटवीन द वर्ड्स। यस, आप लोग जब वर्क लिखते हैं तो आप स्पेस बार की से जो है उसमें स्पेस दे सकते हैं ना, तो ये आपका ट्रू है। यहाँ पे आप राइट का क्लिक लगाएंगे, टिक लगाएंगे। प्लेइंग म्यूजिक। क्या आप कीबोर्ड से म्यूजिक प्ले कर सकते हैं? नो, तो यहाँ पर आप फॉल्स का टिक लगाएंगे। टू इरेज द टेक्स्ट। क्या आपने जो लिखा है क्या आप उसको रफ कर सकते हैं? यस, जैसे आप कॉपी में रेजर से रफ कर देते हैं, आपने जो गलत लिख दिया होता है वो, ऐसे ही आप कीबोर्ड में भी बैकस्पेस की से या उस पर भी रेजर लिखा होता है की पर, उससे आप रफ कर सकते हैं जो आपने गलत लिख दिया। तो अ कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। हमने अपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था कि कीबोर्ड क्या है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इट इज मेनली यूज टू टाइप लेटर्स, वर्ड्स, नंबर्स एंड डिफरेंट सिंबल्स। द टेक्स्ट वी टाइप यूजिंग द कीबोर्ड अपीयर्स ऑन द मॉनिटर। मीन्स कीबोर्ड में क्या होता है, कीबोर्ड में आपका मैंने जैसे ऊपर भी बताया, आपको लेटर्स टाइप कर सकते हो, वर्ड्स लिख सकते हो आप, नंबर्स लिख सकते हो, और डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स होते हैं। सिंबल्स कैसे होते हैं ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। और जो आपका जो वर्क होता है, जो भी आप लिखते हो कीबोर्ड की टाइप हेल्प से, जो भी आप टाइप करते हो, आपको कहाँ शो होता है? वो आपको
मॉनिटर पे शो होता है ना, जो भी आप लिखते जाते हो कीबोर्ड से जैसे, तो वो आपके मॉनिटर स्क्रीन जो आपकी टीवी की तरह स्क्रीन दिखती है आपके कंप्यूटर की, उस पर आपको शो होता जाता है। अपार्ट फ्रॉम टाइपिंग, अ कीबोर्ड इज ऑल्सो यूज टू गिव कमांड्स, प्ले गेम्स एंड मूव ऑन द स्क्रीन। अ स्टैंडिंग कीबोर्ड हैज अबाउट 104 कीज। मीन्स टाइपिंग के अलावा भी कीबोर्ड के कुछ काम होते हैं। वो क्या होते हैं? कीबोर्ड जो है कंप्यूटर को कमांड्स दे सकता है, यानी कि जब आप कीबोर्ड से कुछ टाइप करोगे तो वो आप अपने मॉनिटर को कमांड ही तो दे रहे हो, आप उसको इनपुट दे रहे हो कि वो लिख सके उस पर, है ना। और एक कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं, यह हमने क्लास फर्स्ट में ही पढ़ा था, जल्दी से बताइए। यस, एक कीबोर्ड में 104 कीज होती हैं। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न मोर अबाउट कीबोर्ड एंड इट्स फंक्शन। इस चैप्टर में हम बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे कि कीबोर्ड में क्या होता है, उनका क्या क्या यूज़ होता है, फंक्शन होता है। टाइप ऑफ कीज, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कितने टाइप की कीज़ होती हैं। तो आपके कंप्यूटर को जो है वो, आपके कीबोर्ड को जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 अल्फाबेट कीज, नंबर 2 नंबर कीज, नंबर 3 स्पेशल कीज एंड नंबर 4 सिंबल कीज। ये सारी, अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी कीज होते हैं तो आप बताएंगे 104, और कितनी टाइप्स की होती है तो आप बताएंगे 4 टाइप्स। ये आपका कीबोर्ड है, देखो बच्चों इसमें इसको कितने अलग अलग पार्ट्स इसके इन्होंने बताए हैं हमें, अभी हम सारे इनके बारे में पढ़ेंगे। ये जो नंबर लिखे हुए हैं छोटे छोटे 1, 2, 3, ये आपकी नंबर कीज होती हैं, और इसमें आपकी कंट्रोल कीज भी होती हैं जिसके बारे में भी पढ़ेंगे। आप ये छोटी छोटी जो कीज देख रहे हैं आपके कीबोर्ड में नंबर लिखे होते हैं, वो क्या होती है? आपकी नंबर कीज होती हैं। और जो अल्फ़ाबेट लिखा होता है ABCD, वो क्या होती है? आपकी अल्फ़ाबेट कीज होती हैं। यहाँ एक छोटा सा एक बटन पे की पर शिफ्ट लिखा होता है, वो आपकी शिफ्ट की होती है, वो आपकी जो होती है कॉम्बिनेशन की कहलाई जाती है। यह आपकी ऑल्ट की हो गई, स्पेस बार की। आपके कीबोर्ड की सबसे बड़ी की जो होती है वो होती है स्पेस बार की है। अगर आपसे कोई पूछता है कि विच इज द लॉन्गेस्ट की, तो आप आंसर देंगे स्पेस बार की। नाउ ये एंटर की, अब आपने कुछ लिख दिया, अब आपको बस उसको कंप्लीट करना है या नीचे लाइन में आना है, तो आप कैसे आएंगे? आप एंटर को प्रेस करेंगे, एंटर पे क्लिक करेंगे और आप नीचे वाली लाइन में आ जाएंगे। बैक स्पेस की, इसका मतलब ये रेजर है, जैसे आपके पास रबर होती है रेजर होती है, ऐसे ही ये भी रेजर का वर्क करती है। इससे आपने जो गलत लिख दिया वो आप रफ कर देते हैं, तो ये बैक स्पेस की आपकी रेजर का वर्क करती है। ये कौन सी होती हैं? ये भी नंबर कीज होती हैं और ये भी नंबर कीज होती हैं। यहाँ पर केवल और केवल नंबर्स दिए होते हैं। जब भी आपको नंबर की यूज करनी हो, सबसे पहले आपको नम लॉक ऑन करना होता है, तब जाके आपकी नंबर जो होते हैं वो आपके टाइप होते हैं। जब आपकी नम लॉक की ऑफ होती है तब तक आपके नंबर जो है वो टाइप नहीं होंगे। यहाँ से तो प्रेस होंगे पर आपके मॉनिटर पे शो नहीं होंगे। नाउ टुडे वी आर ओनली कवर दिस टॉपिक, टुमोरो वी आर कवर्ड योर अल्फाबेट कीज एंड नंबर कीज। सो गुड बाय, हैव अ नाइस डे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल ऑफ एजुकेशन क्लास।